ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा व्यू देखा है। मैं फोटो वीडियोस में देखता था कि पहाड़ों के नीचे बादल। तो भाई बहुत ज़्यादा हिल रहा है यार ये, डर तो लग रहा है मुझे क्योंकि ऊंचाई से बहुत डर लगता है। अभी तो स्टार्टिंग है, आगे देखो कितना लंबा है। नीचे का व्यू कितना प्यारा लग रहा है यार, सामने घर वगैरह खेत वगैरह नीचे। खुशी देख रहे हो? खुशी देख रहे हो? खुशी इस चीज़ की है क्योंकि भाई परमिट मिल गया हमारा। इंडिया 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 है, कुछ दिखाना है? बंसार है ना, हम जाना है पोखरा से मुक्तिनाथ। तो जी ये बन चुका हमारा बंसार, ये बना है हमारा 7 दिन के लिए। और कितना लगा? 1400 रुपये। 1400 रुपये लगे और इंडियन मतलब 1000 रुपये में, 1000 रुपये के आसपास। तो ये बस कुछ नहीं करना, RC लेके जाना है और या बंसार ऑफिस में वहाँ पे बताना है और आपको ये मिल जाएगा। अब एक दिन एक्स्ट्रा लेके चल रहे थे, 6 दिन में हमारी ट्रिप ख़त्म हो जाएगी, लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा लेके चल रहे ताकि अगर कुछ हो तो प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए अब निकलते हैं। और यही प्रोसेस कार की भी है, लेकिन कार की प्राइस ज़्यादा होगी ना, कार की ज़्यादा प्राइस होगी। ये 200 नेपाली रुपीज़ पर डे के हिसाब से है ये। चलिए अब निकलते हैं। वाओ कितनी ब्यूटीफुल लग रही है मोनेस्ट्री, लुम्बिनी की मोनेस्ट्री है ये, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है पूरा ये। यहाँ पे बुद्ध जी का जन्म हुआ था। तो जी ये है पार्किंग। अब प्लान ऐसा हो रहा है कि पार्किंग में बाइक लगा के देख लेते हैं, जैसा भी होगा आपको पता चलेगा। तो जी चलो अब निकलते हैं यहाँ से। एक्चुअली यहाँ पर मेन मंदिर है जहाँ पे बुद्ध जी का जन्म हुआ था, हमने वो देख लिया है। और ऐसे तो अगर यहाँ पे घूमना है ना तो आपको 5 से 6 घंटे चाहिए। बहुत सारा है यहाँ पे, काफ़ी खूबसूरत है ये। तो घूम के अब निकल रहे हैं, अभी 4 बज चुकी है। देखते कहाँ तक पहुँच सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं। शायद यही है गेट, एक गेट है जहाँ से बाइक अलाव, यही है शायद। अभी हम लोग जहाँ गए थे ना, जो मेन मंदिर है, वहाँ पैदल जाना पड़ा भाई। 1 किलोमीटर जाना और भाई ये कपड़ों में और शूज़ राइडिंग बूट बहुत प्रॉब्लम होती है। तो चलो जहाँ तक भी हो सके, जितना हो सके मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ का लुम्बिनी का पूरा व्लॉग बनाओ तो वो एक व्लॉग पूरा बनाना पड़ेगा, और इसमें मैं नहीं चाहता कि मैं स्पेशल व्लॉग बनाऊं। बाइकर, अरे वाओ क्या डियर, क्या बात। हेलो 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 हेलो, इंदौर से? इंदौर MP जी। बाइकर बड़ी गजब की है। हम जी इंदौर यूट्यूबर होंगे। हां यूट्यूबर, हां जी यूट्यूबर, ड्रीमर एवी। ये तो अभी 2-2.5 लाख के आसपास आती है। चलती रहे, थकती नहीं होगी। हाँ कंटिन्यू लेते वहाँ से। मुझे आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन? हाँ। थैंक यू।
का। इसको ना अपनी बाइक से ही प्लान करो तो सही हो रहा है। टाइम हो रहा है 5:30 और यहाँ पर आए थे हम लोग वर्ल्ड पीस पगोड़ा देखने के लिए। देख लिए, अभी तक रुकने का सोचा नहीं कहाँ रुकना है। अभी निकलते हैं पोखरा वाले रूट पे, देखते हैं जहाँ भी अगर होटल मिलेगी, मतलब अच्छी होटल जो भी हमें मिलेगी वहाँ रुक जाएंगे। अभी कोई फिक्स नहीं है। अभी जिस पे मैं चल रहा हूँ ये है सिद्धार्थ हाईवे, और कितना प्यारा हाईवे है भाई। नेपाल में भी काफ़ी अच्छी अच्छी रोडें हैं और बहुत स्मूथ है। बस एक ही प्रॉब्लम है कि जो रोड क्रॉसिंग करने वाले हैं ना भाई, वो कभी भी आ जाते हैं, देखते ही नहीं कि गाड़ी सामने से आ रही है, थोड़ा वेट कर ले तो बस वो एकदम से आ जाते हैं। कहीं पे खड़े रहते एकदम से अंदर आ गया, एकदम से आगे आ जाते भाई, तो उनका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर स्पीड मेंटेन नहीं हो सकती है, और यहाँ के रूल्स इंडिया के रूल्स से अलग है, तो भाई आराम से चलो, उसमें भला ही है। मैं इंदौर से आ रहा हूँ। कहाँ कहाँ जाओगे आप लोग? महाराष्ट्र, बद्रीनाथ, पेंगोंग, लद्दाख, खारदुंगला, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अच्छा ठीक है ठीक, राजस्थान, ओके। ऑल इंडिया के साथ में नेपाल कर रहे हो, चलो बढ़िया बढ़िया, ठीक है, हैप्पी जर्नी। चलो ठीक है, मिलते हैं ना, ठीक है, आराम से ना। तो ये पहाड़ स्टार्ट हो चुके हैं और पहाड़ तो दिख नहीं रही है क्योंकि पूरा अंधेरा ये रहा। शायद यहाँ से पहाड़ स्टार्ट हो चुका है और ख़राब रोड मिलना शुरू, और टाइम अभी हो रहा है 6, देखो 6 बजे कितना अंधेरा है यहाँ पर। फटाफट से कहीं रूम देखते हैं और फिर मिलते हैं आपसे, क्योंकि नाइट में क्या ही देखोगे। मज़े तो कल से आने वाले, जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा ना उसके बाद पोखरा, काठमांडू, जोमसो, मार्फा, भाई मज़ा आ जाने वाला है। रास्ता बहुत ख़राब है भाई, ये लाइट देखो भाई अपनी कितना कवर कर रही है ये, लेकिन सामने वाले को काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और सिंगल लाइन पे तो वैसे फॉग लाइट नहीं चलाना भाई। कितना खूबसूरत है, और ये पूरी प्लेस अभी तक मैंने नहीं देखी किसी के व्लॉग में, क्योंकि लुम्बिनी साइड से काफ़ी कम राइडर आते हैं। और ये जो जगह है इसका नाम है तानसेन, और बहुत खूबसूरत है ये। तो चलिए मैं रेडी हो चुका हूँ, अब निकलते हैं पोखरा के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ रूम जो मैंने लिया था यहाँ पर, ये सामान वगैरह सारा कुछ बाइक पर लोड कर दिया है। सुबह सुबह कौन आया देखो हमसे मिलने। गुड मॉर्निंग, डर गया मुझे देख के।
ओके बाय बाय। तो ये था रूम और ये होटल का नाम है होटल माला। तो मैप वगैरह भी लगा लिया है और डिस्टेंस जो बता रहा है 121 किलोमीटर, 4 घंटे लगेंगे। हर हर महादेव। चलो। तो ये नाइट में भी काफ़ी ठंड थी यहाँ पर और जब हम लोग आए तब भी लग रही थी। अभी वैसे विंटर के लिए कुछ पहना नहीं है, जो पहन के घर से निकले थे वही पहने अभी, तो क्योंकि अभी धूप आ जाएगी। और ये है तानसेन का बस स्टॉप। और पता है जब मैं उठा तो वहाँ जो दीदी थी उनसे मैं बात कर रहा था, मैं हिंदी में कर रहा था, उनको समझ नहीं आ रही थी, तो मैं ये भूल गया था कि भाई मैं नेपाल में हूँ, क्योंकि कल तक तो मैं इंडिया में था। बहुत खूबसूरत है ये जगह। अभी मैं मेरी बाइक पे अकेला नहीं हूँ, दो लोग हैं और एक जो है वो ये है महाशय। दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे तो मैं दिखाता हूँ। दिख रहे हैं? ये रहे। हे, गुड मॉर्निंग। तो इन्होंने भी ज्वाइन किया है हमें। तब हम तीन लोग हो चुके हैं, पता नहीं कहाँ तक चलते हैं साथ में। अमेजिंग यार, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। पता है मुझे वैसी वाइब दे रहा है जो रिकोंगपियो से कल्पा जाते हैं, तो कल्पा भी ऐसा ही मतलब रिकोंगपियो ऐसा दिखता है और कल्पा उसके ऊपर। तो मतलब हम लोग रिकोंगपियो में रुके थे, अगर हम लोग उत्तराखंड में होते, अगर हम लोग हिमाचल में होते तो भाई, जो लोग नहीं गए और स्पीति का प्लान है तो भाई कल्पा ज़रूर जाके रुके, बहुत खूबसूरत है। जो जिन लोगों ने मेरा व्लॉग देखा है, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो किया है, उनको पता है भाई हेवन है, हेवन। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो भाई कर लो, तो आपको लाइव अपडेट मिलते रहेगी। ड्रीमर अभी के नाम से है। और भाई एक और रिक्वेस्ट, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, सारा कुछ फ्री है। आपको भी एक व्यू दिखाता हूँ। वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा व्यू देखा है। फोटो वीडियोस में देखता था कि पहाड़ों के नीचे बादल। यहाँ के पहाड़ अलग ही हैं। हाँ अलग है थोड़ा, नहीं हिमाचल में जैसे शिमला का रूट है ना, उसमें ये वाले पेड़ वगैरह आते हैं। बहुत खूबसूरत लग रहा है, एक फ़ोटो ले लेता हूँ बाइक की। एक और राइडर से मिलोगे? राइडर से मिलोगे? इधर आओ, ये रहा। ए भाई कुछ खाना है? भाई कुछ खाना है क्या? नहीं खाना, चलो बैठे रहो। फ्री की राइड ले रहा है। हाँ फ्री की राइड, कम बजट में, नहीं जीरो बजट में। तो सामने चल रही है महिंद्रा की स्कॉर्पियो, पिकअप में भी आती भाई नेपाल में। ये देखो सही लग रही है। क्या मिलेगा? हाँ चाहिए। हाँ नाश्ता चाहिए, आलू पराठा बनते हैं, अंडा पराठा। आलू पराठा ही खा लो, ठीक है बना दो। क्या बना? आलू पराठा। आलू पराठा हाँ हाँ भाई, तुम कुछ खाओगे? अरे कुछ तो खा लो यार, पोखरा जाके खाएगा ना। तो जी ये आ चुकी है अपनी नेपाल की पहली चाय और यहाँ पे हमारा कुछ नाश्ता है। क्या नाश्ते में अपने पास? मटरी चिवड़ा। चिवड़ा ये उसका दिवाली का नाश्ता है ना? नहीं नहीं बनवा के लाया था एक दिन। अच्छा, नहीं हमारे यहाँ दिवाली पे ही बनता है ये दिवाली का नाश्ता। तो चलो चाय टेस्ट करके बता दे चाय कैसी है, क्योंकि यहाँ पे मिल्क वाली और पानी वाली दोनों चलती है। देखो उसको हमने बोला कि चाय चाहिए तो बोले मिल्क वाली। वो
रेस्टोरेंट पे तो वही मिलेगा। पराठा इतना हेवी हो गया था ना, मैंने पैक करवा लिया। देखो अब इसको रास्ते में रुक के खाएंगे। ये खाना कंप्लीट हो चुका है और तो दो पराठे खाए और दो चाय। तो जो बिल आया हुआ है 370। तो यहाँ पर वही कि खाना महंगा है। कल हमने खाया था खाना, तो कल हमने जहाँ पर खाना खाया था तो दो थाली लगाई थी, दो थाली का हुआ था और एक फ्राइड राइस लगाया था। तो दो थाली और एक फ्राइड राइस और दोनों की प्राइस आई थी 950। और बता 950 का तो खाना हुआ और हमने जो रूम लिया वो लिया 900 में। तो आप डिफरेंस देख सकते हो कितना महंगा है खाना। पहाड़ों पे राइड करने का मज़ा ही कुछ और है भाई, इतना सुकून मिलता है ना। हाईवे पे बाइक खींचने से कहीं ज़्यादा सुकून यहाँ पे 50-60 की स्पीड मेंटेन करना है। अरे पूरे ब्लाइंड स्पॉट, कभी भी सामने से बाइक आ सकती है, कार आ सकती है। तो अपने लाइन में चलो, सबसे सेफ रहेगा। यहाँ के पहाड़ और उत्तराखंड के पहाड़ में इतना कोई डिफरेंस नहीं है, बस सेम ही है सारा लैंडस्केप, तो सारा सेम है। ऐसा लग रहा है उत्तराखंड में ही चला रहा हूँ मैं बाइक। वाओ ब्यूटीफुल, कितनी खूबसूरत नदी है। देखो पता नहीं नदी कौन सी है, मैं बताता हूँ आपको। नेटवर्क तो मिल नहीं रहा है। काली गंडकी, तो ये जो रिवर है काली गंडकी रिवर है। जी अरे विनय भाई आगे चल गए। चेक पोस्ट जी सर, हाँ यहाँ पर भंसार चेक हुआ। तो यहाँ पर अभी एंट्री हुई और भंसार चेक कर लिया। ये वाला जो रूट है ना, ये वाली जो लोकेशन है, ये आपको काफ़ी कम व्लॉग्स में देखने मिलेगी, क्योंकि अधिकतर जो राइडर है वो पोखरा से जो सोनौली बॉर्डर आती है वहाँ से जाते हैं। और अभी तक हमें बाहर का कोई राइडर नहीं दिखा इस रूट पे, जो लोकल से की बाइक से वही दिखी है। लेकिन बहुत खूबसूरत है ये, और यहाँ के चेक पोस्ट पे इतनी भीड़ भी नहीं रहती है जितना कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा। सोनौली बॉर्डर में तो काफ़ी भीड़ होती है क्योंकि अधिकतर वहीं से जाते हैं। तो जी यहाँ पर है सस्पेंशन ब्रिज, ये रहा देखो, ये लोगन चल रहे। बहुत गहरा है भाई ये, बहुत गहरा है। चले हम भी चलते, हम भी जाके आएंगे। ये रहा देखो भाई, ये है पूरा सस्पेंशन ब्रिज। देखो बीच में कुछ भी सपोर्ट नहीं है इसके, और ये यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो भाई बहुत ज्यादा हिल रहा है यार ये, डर तो लग रहा है मुझे क्योंकि ऊंचाई से बहुत डर लगता है। अभी तो स्टार्टिंग है, आगे देखो कितना लंबा है। नीचे का व्यू कितना प्यारा लग रहा है यार, सामने घर वगैरह खेत वगैरह नीचे जो अपन आंखों से देख रहे हैं कैमरा नहीं देख पा रहा है, सच्ची में बहुत गहरा है। 10% 20% बता सकता है कैमरा ना। चलो आ जाए धीरे धीरे आगे, चलो चलते हैं थोड़ा। मजा आ गया ऐसे कुछ नई चीज में, पहली बार आया हूँ ऐसी ब्रिज पे, पहली बार आया हूँ। मैंने देखा था इस स्थिति में, केबल ब्रिज स्थिति में है, मतलब है। इतने बड़े नहीं है, इतने ऊंचाई पे नहीं है। और ये लंबा भी देखो कितना लंबा है, होगा 1 किलोमीटर आसपास। यस 800 मीटर होगा, 800 मीटर।
ये घर देखो, पत्थर और मिट्टी से बने हुए, और ये घर कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये भी मिट्टी वाला है, ये भी मिट्टी के घर। और ये वाला जो रास्ता लुम्बिनी वाला पोखरा के लिए बेस्ट रूट है भाई, अगर आप लोग आना चाहते हो बेस्ट रूट है। अभी यहाँ से पोखरा बचा हुआ है 63 किलोमीटर, काफ़ी वाइड रूट है। बीच में थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं ख़राब है, लेकिन बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर कितना सही लिखा हुआ ना, टॉयलेट करना मना है, मतलब मना है वो अलग बात है, प्रतिबंधित है। हाँ, सारी देख यहाँ पे डोनेशन के लिए लिखा हुआ है कुछ। डोनेशन, बट ये नहीं लिखा ना कि जाएगा कहाँ। अच्छा, इसी की व्यवस्था के लिए सही है। बहुत खूबसूरती है, और ऊपर से इस खूबसूरती में अपनी पैंथर कितनी खूबसूरत लग रही है भाई। जब भी उसे खड़ी करता हूँ ना, खुद ही देखा करता हूँ, देखने का मन करता है, नज़र ना लगे इसलिए इसको ब्लैक ली हुई है। ये देखो भाई, तितली बैठी है वहाँ, उड़ जाएगी भाई। इसको भी ले चले क्या पोखरा? मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसका कलर निकल जाता, हाथ में आया था। इंडिया 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 है। ठीक है ठीक है, कोई दिखाना है? बंजार है, बंजार है ना, पीछे पढ़ाई पढ़ाई। चलो चलो ठीक है, हम जाना है पोखरा से मुक्तिनाथ। ठीक है, जैसे चेक पोस्ट आते रहते हैं उनको बोला कि परमिट है, मतलब ठीक है जाओ। कितना सुंदर व्यू है यार यहाँ का, घर के बाहर देखो कितने प्यारे प्यारे फूल, मतलब हरियाली ही हरियाली है। अभी तक जितना भी नेपाल देखा है बस यही कहूँगा भाई, बहुत खूबसूरत है, लोग बहुत अच्छे हैं, और ट्रैफिक रूल्स सारे फॉलो करते भाई, हॉर्न कोई नहीं बजाता है। तो जी यहाँ पर ब्रेक लिया है, कितना सुंदर है देखो ये, ये पत्तियां देखो, ये तो अपने इंडिया में भी होता है ना, ये भी होता है लेकिन पहाड़ों में ही होता है अधिकतर ये। और वॉशरूम वगैरह भी काफी क्लीन है, बहुत अच्छा, जहां भी देख रहे हैं सारा पूरा क्लीन मिल रहा है, वॉशरूम वगैरह सारे सारी सुविधाएं। हाँ, फ्रेशनर लगा है। हाँ, और ये नीचे फिर नदी जा रही, शायद आवाज आ रही है। वो घर देखो यार, वो घर कितना प्यार लग रहा है देखो। तो यहाँ पे अभी मोमो ऑर्डर करे है, और बाकी हमारे पराठे तो थे ही, तो साथ में पराठे भी खाएंगे। अभी इनको चटनी के बारे में समझाने में 5-10 मिनट लग गए, वो मिर्चा मिर्चा बोल रहे हैं और मैं कुछ और समझ रहा। क्या वो मिर्चा बोल रहे थे, बोले मिर्चा खाओगे, मतलब समझ नहीं पड़ रहा था। हाँ, मिर्चा, मैं बोला क्या चीज़ मिर्चा, मतलब मिर्चा में, मतलब मोमो में नहीं, नहीं मिर्चा नहीं, अलग चटनी चटनी, तब समझा में कि अच्छा ये बोल रहे। हाँ जी, फेस वॉश, चलो फेस वॉश करते फिर खाते। वेलकम टू पोखरा व्यू पॉइंट, कितना खूबसूरत लग रहा है।
पोखरा एंटर हो चुके हैं और देख सकते हो कितनी बढ़िया रोड बनी हुई है यहाँ पर और कितना क्लीन, कितना साफ है भाई, बहुत क्लीन है पूरा शहर। और नेपाल में अभी तक गंदगी नहीं देखी मैंने ज़्यादा, लोग काफ़ी मेंटेन कर रहे खुद से ही। अभी जाना टूरिस्ट ऑफिस और वहाँ से परमिट बनेगा मुक्तिनाथ का। ऐसा लग रहा है भाई मैं किसी और देश में आ गया हूँ, मतलब हाँ और देश में ही हूँ मैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्या शहर है यार। और जो गाड़ियाँ है ना यहाँ की सारी अलग है, इंडियन गाड़ियों, मतलब बहुत सी गाड़ियाँ है जैसे किया सेल्टोस ये यहाँ पे, फिर किया सोनेट, बाकी बहुत सारी कार वगैरह जो आती है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे महंगी आती है, प्राइस ज़्यादा होता है यहाँ पर। ये बड़ी सिटी है पोखरा, लेकिन ट्रैफिक देखो आप, बिल्कुल भी नहीं है ट्रैफिक, क्योंकि रोड ही इतनी चौड़ी है। प्रदूषण भाई ने फैलाया अभी। पोस्ट ऑफिस आ ही चुका है, वाओ ये यहाँ की लेक है, लेक इसके बारे में बताऊंगा पहले वो बन जाए परमिट उसके बाद में। बहुत बड़े लेक है पोखरा में और जो कि बहुत खूबसूरत है। अभी तुम गरम हुए हैं। खुशी देख रहे हो, खुशी देख रहे हो, खुशी इस चीज की है क्योंकि भाई परमिट मिल गया हमारा। क्यों बहुत जल्दी हो गया फाइनली? 10 मिनट लगा, 10 मिनट कम से कम। फॉर्म फिलिंग करने में इतना टाइम लगा उतना ही लगा है। फॉर्म भरा, फॉर्म के बाद वो उन्होंने बस दे दिया, बाकी कुछ नहीं लगा। और ये रहा हमारा परमिट, ठीक है। और परमिट बनाने के लिए 1000 जो नेपाली रुपये है, मतलब अपना 700-650 के आसपास लगा है। और बस दो फोटो लगे, बाकी हो गया है, और आधार कार्ड लगेगा। तो चलिए फटाफट से निकलते हैं, अब देखते हैं कहाँ तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा है 2 बज रही है ना, 2:30 बज रही है, 2:30 के आसपास। तो चलिए फटाफट से निकलते हैं और मिलते हैं आपको आगे।